चरखी दादरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर किसान संगठनों ने रणनीति बनाई है और बताया जा रहा है कि खापो की अगुवाई में महिलाएं मोर्चा संभालने वाली हैं। हजारों ट्रैक्टरों के साथ किसान मार्च निकालने वाले हैं और दादरी जिला जो कि यहां पर भी तैयारी के साथ किसानों की दिख रही है। दादरी दिल्ली रोड जाम करने का फैसला लिया गया है। कल फोगाट खाप प्रधान बलवंत नंबरदार की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया। संयुक्त कमेटी की पंचायत में ये फैसला लिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल आते ही नेशनल हाईवे 152 डी को भी जाम कर सकते हैं ये। कल होने वाले ट्रैक्टर मार्च को लेकर हर गांव से ट्रैक्टर लाने की जिम्मेदारियां लगाई गई है। शहीद किसान मामले में FIR दर्ज करने की मांग उठाई गई है, क्योंकि इन किसानों ने कहा कि शहीद का दर्जा उस किसान को मिले और MSP गारंटी समेत सभी मांगों को लेकर भी मंथन किया गया है। दर्जन भर खापों के अलावा सामाजिक और किसान संगठनों की 51 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, याद दिला दें कि 26 मार्च को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान SKM की तरफ से किया गया था और ये कहा गया था कि अपने ज़िले में नेशनल हाईवे हो या फिर स्टेट हाईवे हो, वहाँ पर एक साइड का रास्ता बंद कर दें और ये प्रोटेस्ट जताएं, ये बात कही गई थी। अब आज 25 फरवरी है और कल 26 फरवरी, माफ कीजिएगा 26 फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ, 26 फरवरी को यानी कि कल के दिन ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया गया था। अब क्या असर दिखता है देखने वाली बात है। फिलहाल क्या कुछ कहा जा रहा है चरखी दादरी से वो बता देते हैं आपको। ट्रैक्टर परेड के बारे में पूरे जिले की सभी खापों की तरफ से एक रूट निर्धारित किया है। वो रूट ये है कि महेंद्रगढ़ बाईपास है, दिल्ली झज्जर वाला रोड है, महेंद्रगढ़ बाईपास से लेके और सीधे बिल्कुल ये कॉलेज है जो जनता कॉलेज, यहाँ से लेके और बीच का जो दायरा है पुल का, इसको छोड़ के आगे सनसपुर लोरवाड़ा तक इसी मेन रोड के ऊपर सभी ट्रैक्टर साइड में एक जगह इकट्ठे होंगे। बिल्कुल अनुशासन में रह के, शांति से रह के हम अपना ट्रैक्टर इकट्ठे करके एक अपना विरोध स्वरूप जाहिर करेंगे, जो किसानों की मांग सरकार नहीं मान रही है, तो ये रूट निर्धारित किया गया है। कल जो ट्रैक्टर यात्रा है उसके लिए समय और स्थान निर्धारित किए और सभी खापों से, सांगवान खाप से, फोगाट खाप से, सतगामा खाप से और चिड़िया पचगामा से, हर खाप से काफ़ी मात्रा में ट्रैक्टर आएंगे और उनकी जगह निर्धारित की गई है।